सो गाइस, फाइनली हम लोग घर वापस आ गए हैं। हमारी श्रीनगर की फ्लाइट कैंसिल हो गई। श्रीनगर एयरपोर्ट पे काफ़ी हैवी स्नोफॉल था, इस वजह से लैंडिंग की शायद प्रॉब्लम की वजह से फ्लाइट कैंसिल हुई। कभी सक्सेस कभी फेलियर। फाइनली हम लोग अभी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और सब ठीक है। देखते हैं वहाँ पे, अभी पता चलेगा एक घंटे बाद क्या होगा। उम्मीद है कि आज हम श्रीनगर ज़रूर पहुंचेंगे। तो गुड़िया जी, आपको क्या लगता है आज फ्लाइट डिले हो गई? हाँ जी, 2:30। क्या बात कर रहे हो? जस्ट रिसीव द मैसेज। अच्छा, तो डिले हुई है या फिर कैंसिल हुई है? ड्यू टू वेदर कंडीशंस। अभी कैंसिल भी हो सकती है? मोस्ट प्रोबेबली कैंसिल भी हो सकती है। चलो, जो होगा अच्छा होगा। एयरक्राफ्ट भी रेडी हो रहा है, सब कुछ तैयारी चल रही है, लेकिन अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। ये देखिए, हाँ जी, सस्पेंस है। अभी फ्लाइट जाएगी कि नहीं जाएगी, सस्पेंस है। अभी थोड़ी देर में अभी क्लियर हो जाएगा। वैसे हमने चेक किया गूगल पे, तो अभी दिखा रहा है कि हाँ जी जाएगी फ्लाइट। पॉजिटिव तो जा के रहोगे आज श्रीनगर, लगता है। आज तो जाना ही है। चलो, ग्रेट। आपकी पॉजिटिविटी जरूर काम आएगी। मास्क लगा लो, फोटो खिंचवा लिया तो।
उसी समय साधा क्या हुआ? 26 जन को बाहर नहीं निकल सकते? राजा साहब हमें डल लेक घुमाने लेके जा रहे हैं। ये देखो बढ़िया जी कह रहे चौपे वोपे पहन के बिल्कुल सेट है। और हमने अभी पूछा कि बुमरू का क्या मतलब होता है, तो भैया ने बताया कि बुमरू एक ऐसा कोई कीड़ा जैसा होता है, जैसे हनी होता है ना, हनी बी, जैसे हनी बी, जैसे शहद की मक्खी होती है, ऐसा एक मच्छर होता है। तो मुझे याद आया कि इनसे पूछेंगे तो पता चल जाएगा। सोचा करते थे ये गाना था ना, बुमरो बुमरो शाम रंग बुमरो, तो ये गाने का मतलब क्या है? हम तो सुनते थे तो, लेकिन आज पता चला। आए हो किस बगिया से, तो ऐसे अब समझ में आया कि वो बुमरो का मतलब है जब यहाँ पर गर्मियों का मौसम रहता है, कम ठंड होती है मतलब, तब वो आता है। तो बुमरो बुमरो शाम रंग बुमरो, आए हो किस बगिया से तुम, बुमरो बुमरो शाम रंग बुमरो। तो गाइस हम लोग अभी ये डल लेक के पास अभी रुके हैं हम लोग। भैया ने बोला कि एक बार आप उतर के देखें, यहाँ बर्फ है पूरी, और ये बर्फ पर चलने में मुझे बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। ठीक है, अगर चाय के चाय आएगी तो फिर मैं भी ले लूँगा। ये लोगे ना पाँच ही बजे पक्का आपका वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, जितना अब तो आपका सबसे पहले हमारे व्यूअर आपको वीडियो में नहीं देखेंगे, ये पक्का है। जो मैं बोलता हूँ देखेंगे। पकौड़े अच्छे हैं भैया। अभी हम लोग डल लेक पे थे, और डल लेक पे बड़ा अच्छा माहौल था। अंदर ही बैठो ना फिर जब चाय पीनी है तो, अंदर बैठ लो। इतने बढ़िया भैया ने पकौड़े बनाए हैं तो खा लो। यहाँ तो मिठाइयाँ भी हैं कश्मीर की, इतनी अच्छी अच्छी देखो। चाय पीनी? यस। अच्छा, किसी का इंतजार था? किसी का इंतजार था? सुबह से चाय नहीं मिली आपको? एक बार मिली थी बस। होटल में बफे लगा होगा हमारा, उसके बाद में हम यहाँ पर पकोड़े मांगे जा रहे हैं उस भैया से।